किसान आंदोलन व पंजाब में छापेमारी के विरोध में हरियाणा की सभी मंडियों में व्यापारियों ने हड़ताल कर रोष जाहिर किया है। इस दौरान व्यापारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की 60 मंडियां बंद रही। हिसार जिले में 8 मंडियों में कामकाज ठप रहा। बता दें कि व्यापारियों ने हरियाणा व्यापार मंडल एसोसिएशन के बैनर तले अपना रोष जाहिर किया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि व्यापारियों ने किसान आंदोलन व पंजाब में छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे व्यापारियों के यहां छापेमारी करके सरकार व्यापारियों को डराने की नाकाम कोशिश कर रही है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार छापेमारी, लाठी डंड चलवाकर व झूठे केस बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले ही देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग ठप हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में आज लगभग 125 मंडियों में हड़ताल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून लागू करने व केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब के आढ़तियों पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने व हरियाणा के अंदर इनकम टैक्स के आढ़तियों को नोटिस देने की व्यापार मंडल घोर निंदा करता है, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों में पूर्ण रूप से हड़ताल रखी गई है। किसी भी अनाज की सरकारी बोली नहीं हुई, खरीद नहीं हुई, यहाँ तक कि किसान की फसल प्राइवेट फसल भी किसी आढ़ती ने नहीं खरीदी। और मैं स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को 3 काले कृषि कानून किसान आढ़ती व मजदूर आम जनता के हित के अंदर वापिस लेने चाहिए, क्योंकि 3 कृषि कानून किसी भी प्रकार किसान आढ़ती मजदूर के हित में नहीं है। इससे किसान की फसल के को औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी और प्राइवेट मंडियां जब देश और प्रदेश में बनेगी तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। सरकारी मंडियां जब बंद हो जाएगी तो प्राइवेट मंडी वाले किसान की फसल MSP दामों पर नहीं खरीदेंगे। किसान की फसल कौन MSP दामों पर खरीदेगा? मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, जो अमानी अडवाणी जिन्होंने छोटे छोटे व्यापार पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने फल सब्जी व फल के व्यापार पर कब्जा किया हुआ है, वो अब अनाज के व्यापार को भी कब्जा करके बेहताशा देश के अंदर महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी को देश की आम जनता के हित में देश में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए 3 काले कृषि कानून को वापिस ले, ताकि देश की आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.